हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आर्टिकल है उसे स्टार्ट किया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझा, उसका फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या था उसे भी हमने समझ लिया, और उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो हमें डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के लिए स्टडी करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये जो फोर प्रॉपर्टीज़ थी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की, जैसे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए जीरो होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी को हम माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए लिख सकते, मतलब लिमिट इंटरचेंज करने से सिर्फ साइन क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं, मतलब क्या कि हम इंटीग्रेशन में वेरिएबल का चेंज कर सकते हैं। और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी वो थी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ थी इनको हमने स्टडी किया था। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, फिफ्थ जो है हमारी, क्या है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमें इसका क्या करना है, प्रूफ देना है। अच्छे से ध्यान रखो, अब यहाँ से आगे जो प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ 3 to 4 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है। सो प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7 and 8 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो इन्हें अच्छे से जान लो, समझ लो, पहचान लो। क्या है, चलो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम उसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हम एक्स को क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, कहा डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। तो इसका प्रूफ देंगे हम, प्रूफ सपोज I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी को I एश्यूम किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो चलो अच्छे से याद रखो, जब भी हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन में पुटिंग करते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है। अच्छे से याद रख लो, हम इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में जब भी पुटिंग करते थे तब पुटिंग के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता था, रिप्लेसमेंट करना पड़ता था। लेकिन आपको पता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिप्लेसमेंट के लिए वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो हमें करना क्या होता है, जो भी पुटिंग हमने की है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट्स चेंज करने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट किया, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, a का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस dx इज इक्वल टू dt। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx है, सो dx से आगे क्या होगा, मल्टीप्लाइड। तो अब इसका मतलब क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये जो सभी चेंजेस है देखो, अब क्या होगा, ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी ए एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एक्स की वैल्यू ए होगी, लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू ए होगी, तो ये माइनस ए क्या होगा, कैंसल। सो टी की वैल्यू क्या है, बी बी, इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू बी। एंड x इज इक्वल टू बी लिया तो b माइनस बी क्या होगा, कैंसल, तो t की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो जहाँ पे x की वैल्यू a है वहाँ t की वैल्यू b आएगी, और जहाँ x की वैल्यू b है वहाँ t की वैल्यू a आएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट इन डेफिनाइट इंटीग्रल लिमिट्स। ओके, तो फिर अब क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की, जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू b होगी, तो x की जब x मतलब a था तो x की वैल्यू अब क्या होगी,
टी की वैल्यू बी होगी, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी था वहाँ टी इज इक्वल टू ए होगा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी था तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू ए होगा। यफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया टी, इन टू डी एक्स की जगह क्या आएगा माइनस डी टी, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए यफ ऑफ टी डी टी। तो चलो हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी नंबर हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया था, अगर इंटीग्रल के लिमिट्स हमने चेंज किए तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ इंटीग्रल का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस आई से रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम यहाँ बी टू ए है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। चलो क्या होगा आपको पता चल गया, यहाँ पे लिमिट बी टू ए था तो अब यहाँ पे क्या होगा ए टू बी, तो साइन क्या होगा चेंज, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो आपने जो यूज़ किया उसका रूल आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपने जो रूल यूज किया उसको ब्रैकेट में लिखना होगा। तो क्या किया आपने, सिर्फ लिमिट इंटरचेंज किए, लिमिट इंटरचेंज करने से साइन क्या होता है चेंज होता है। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके ना, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, तो एक्स की जगह टी क्या किया रिप्लेस किया। तो देखो इस तरह से हमें क्या मिला, यहाँ पे अगर देखोगे इक्वेशन वन आई क्या था ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या करोगे, बाय वन एंड टू, वन एंड टू आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इन टू डी एक्स, ऐसा हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ओके ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी का प्रूफ देना होगा, ये प्रॉपर्टी जो है और बोर्ड के लिए 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, ओके ना। तो देखो अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपका जो प्रॉब्लम है उसे भी आपको अच्छे से समझना होगा। चलो देखो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स इन टू डी एक्स। चलो ये आपका क्या है आई है, आपको इसे क्या करना है सॉल्व करना है। देखो अच्छे से साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं, ओके ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन लेने के लिए हम उसे रिप्लेस करते हैं टू दी नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मूलाज। तो साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 - cos 2x / 2 और उसके बाद इंटीग्रेशन लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है आपकी कहा की है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन की, तो इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉब्लम कैसे सिंपल होता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है पाई बाय 6, बी की जगह क्या है पाई बाय 3, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे यूज, तो क्या मिलेगा चलो देखो, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह पाई बाय 6 है, बी की जगह पाई बाय 3 है, फंक्शन की जगह साइन स्क्वेयर एक्स है, तो साइन स्क्वेयर आई से ही रहेगा। करना क्या होता है, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करना है, सो साइन स्क्वेयर आई से ही रहेगा। एक्स की जगह क्या आएगा, ए मतलब पाई बाय 6 प्लस बी मतलब पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो इसे रिप्लेस किया, लिमिट वही रहेगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, तो फिर क्या होगा चलो, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन स्क्वेयर ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 मतलब क्या आ गया पाई बाय 2, 30 प्लस 60 मतलब 90 पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको मिल गई इज इक्वल टू पाई बाय 6
पाई बाई थ्री, सो पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू मतलब क्या आएगा, कॉस एक्स ऐसे रहेगा, स्क्वायर ऐसे रहेगा, इंटू डी एक्स, अलाइड एंगल का यहाँ पे क्या किया यूज, साइन स्क्वायर, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, तो स्क्वायर स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो ये जो है आपका, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन वन, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन टू। तो वन एंड टू की क्या करेंगे, एडिशन, एडिंग वन एंड टू, वन एंड टू के एडिशन करने के बाद ये भी आई है, ए भी आई है, सो आई प्लस आई क्या मिलेगा, आर एच एस, एल एच एस में टू आई, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो अच्छे से देखो, सो दोनों इंटीग्रल में लिमिट्स क्या है, ए टू बी, ए टू बी, लिमिट क्या है, सेम। अगर इंटीग्रल्स के लिमिट सेम होते तो फंक्शन में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी वो हम ले सकते, तो फिर क्या होगा, टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इंटू डी एक्स। जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन में स्टडी किया था, हम इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं, वैसे कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों इंटीग्रल जिसे हमें कंबाइन करना है उनके लिमिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू वन आती है, तो फिर क्या होगा, आई इज टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री वन डी एक्स। सो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स, लिमिट जो है वो क्या रहेंगे, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। सो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय सिक्स, ए टू आ जाके डिवाइड होगा, देयरफोर आई इज इक्वल टू पाई बाय ट्वेल्व, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। सो प्रॉपर्टी की हेल्प से इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ जो थी और उसके बेस्ट जो प्रॉब्लम था, इसे आपने अच्छे से क्या किया, लर्न कर लिया। चलो प्रॉपर्टी नंबर सिक्स जो है उसे देखते हैं। ओके, सो देखो अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ एंड प्रॉपर्टी नंबर सिक्स नियरली सेम है। कैसे, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ में क्या था, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो जीरो है, बस इतना सा क्या है, चेंज है। तो प्रूफ की जो प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है, वो क्या होगी, सेम होगी। क्या करेंगे हम इसे प्रूफ में, प्रूफ इंटीग्रेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो जो आर एच एस की साइड है जिसे हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। सो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, इसे डिफ्रेंशिएट किया, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयरफोर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पुटिंग करेंगे तब आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट्स है उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो चलो देखो, लोअर लिमिट पुट किया, एज x इज इक्वल टू जीरो तो t इज इक्वल टू क्या होगा, a, एंड x इज इक्वल टू a माइनस ए क्या होगा, जीरो, t इज इक्वल टू जीरो। जब x जीरो था तब t a होगा, जब x a है तब t जीरो होगा। सो आपका i अब चेंज होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो की जगह, जब x जीरो था तो क्या आएगा, t a, और जब x a था तो t क्या आएगा, जीरो। f ऑफ a माइनस x की जगह क्या आएगा, t, इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी, ये बाहर आएगा। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो एफ ऑफ टी डी टी।
अब देखो हमें पता है लिमिट अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या होगा, चेंज। तो फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो था तो क्या होगा जीरो टू ए, माइनस था तो क्या होगा प्लस एफ ऑफ टी इंटू डी टी। रीजन देना होगा सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से आपको रीजन देना जरूरी होगा। तो यहाँ पे देखो अब हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, सो आई इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका भी रीजन है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। मतलब डिफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम वेरिएबल को चेंज करें तो इंटीग्रल की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती। तो ए जो है इसे हम इक्वेशन वन बोलेंगे, इसे हम इक्वेशन टू बोलेंगे, एंड वन एंड टू को ऑब्जर्व करने के बाद बाय वन एंड टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सॉरी जीरो टू ए इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रोसेस जो है दोनों की क्या है, सेम है। तो इस पे बेस्ड भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखेंगे। ओके तो चलो देखो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। चलो अच्छे से देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे क्या है, लॉगरिथमिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बाय रूटीन प्रोसेस से इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, एंड बाय पार्ट से भी ये प्रॉब्लम जितना सिंपल आपको दिखता है इतना सिंपल होगा नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी की हेल्प ले की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट क्या है, इसे मैं आए बोलता हूँ लोअर लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो अब प्रॉपर्टी 6 जो है इसका यूज़ करने के बाद क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन ऑफ x की जगह क्या करना है, x की जगह a माइनस एक्स 0 टू a माइनस x, मतलब क्या आएगा पाई बाय 4 माइनस x पुट करना है। सो यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x डी एक्स। रिप्लेसमेंट सिर्फ जहाँ पे x है वहीं पे देनी, तो फिर क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबको पता होना चाहिए टेन ऑफ ए माइनस बी क्या है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये आपका क्या है फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। सो यूज किया a की जगह पाई बाय 4 एंड b की जगह x पुट किया, बट टेन पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो आपका इंटीग्रल क्या होगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन पाई बाय 4 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू समथिंग 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। सो टेन एक्स क्या होगा, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो लॉग का रूल यूज कर सकते, लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या है आपका, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4
log of 2 plus log of 1 plus tan x into dx. तो क्या क्या सेपरेट इंटीग्रल लिया, सो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log of 2 into dx प्लस 0 टू पाई बाय 4 log of 1 प्लस log of a अपॉन b की वैल्यू क्या होती है, log a माइनस log b, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 1 प्लस tan x into dx. तो देखो इसे ऑब्जर्व करो, इसे ऑब्जर्व करो और क्या मिलता है आपको, i ही मिलता है. इस इक्वेशन क्या बोलेंगे, 1. तो बाय 1 यहाँ पे क्या मिलेगा, i. सो i इज इक्वल टू log ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इन टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 1 dx माइनस ये क्या है, i इधर आएगा, i प्लस i क्या होगा, 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x लिमिट रहेंगे 0 टू पाई बाय 4, तो ये 2 आ जाके डिवाइड होगा. सो i इज इक्वल टू log of 2 upon 2 into upper limit minus lower limit, मतलब क्या आएगा, pi by 4. तो यहाँ पे क्या होगा, i is equal to pi by 4 into 2 pi by 8 into log of 2. इस तरह से आपका क्या आएगा answer. तो जो problems critical होते हैं उन्हें हम property की help से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं. इसके लिए properties पे ध्यान देना जरूरी रहेगा. ओके तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 7 को स्टडी करेंगे. सो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो इस जो प्रॉपर्टी है इसका हमें क्या लेना है, प्रूफ लेना है. चलो देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx. तो हमने इसे क्या बोला, i बोला, और दैट इज i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 ऐसे बोलेंगे. सो ये जो है ये i1 है, ये क्या है, i2 है. इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टार. अच्छे से देखो यहाँ पे, सो i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस x इंटू dx. तो देखो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसे आप अच्छे से देखें, क्योंकि प्रॉपर्टी 7 एंड प्रॉपर्टी 8 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहाँ पे जो आपके न्यू सिलेबस बुक से, इसमें इस प्रॉपर्टी का प्रूफ में प्रिंटिंग मिस्टेक से, ओके ना. तो आप अगर उसे फॉलो करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए आप अच्छे से देखो बोर्ड पे, क्योंकि जो नए बुक्स आए हैं उसमें इस प्रॉपर्टी में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है. तो अच्छे से इसे समझ ले. तो क्या है देखो, इसे इसे मैंने आई टू बोला, इसे आई वन बोला, आई टू को कंसिडर किया, जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी. तो सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो अब पुटिंग करनी पड़ेगी, एज x इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है, जीरो. सो t की वैल्यू क्या आएगी, 2a, एंड x इज इक्वल टू ये लिया तो 2a माइनस a, t की वैल्यू क्या आएगी, a. तो ये सभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, i2 इज इक्वल टू 0 था तो 2a आएगा और a था तो a आएगा, एफ ऑफ 2a माइनस x की जगह क्या आएगा, t इंटू dx की जगह क्या आएगा, माइनस dt, माइनस साइन बाहर आएगा. सो i2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2a टू ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी. आपको पता है जब भी आप लिमिट का इंटरचेंज करते हो तब क्या होता है, साइन चेंज होता है. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 2a एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ओके ना. यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको लिखना है, ओके ना. तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, आई टू. सो इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे. सो हैश क्या करेंगे, हम स्टार में पुट करेंगे. देयर फोर बाय पुटिंग हैश इन स्टार, तो क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस x dx, मतलब क्या, i2. तो इसकी वैल्यू क्या आई है,
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू टू ए, ए टू टू ए एफ ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हमें क्या करना था, वेरिएबल चेंज करना था क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी ऐसा लिख सकते हो। सो ओके, तो यहाँ पे आपका आई टू आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। सो हैश को स्टार में पुट करेंगे, बाय पुटिंग हैश इन स्टार। तो स्टार में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स मतलब आई टू, आई टू वैल्यू यहाँ पे आ गई है, क्या आ गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अच्छे से देखो, जीरो टू ए एंड ए टू टू ए, तो यहाँ पे क्या हो गई, इंटीग्रेशन की लिमिट्स की स्प्लिटिंग हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा हम लिख सकते हैं। के कब, जब a लेस देन c लेस देन b होगा तब। यहाँ पे जीरो से a बड़ा है और a से 2a बड़ा होगा, सो ये जो है ये 0 एंड 2a के बीच में, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके ना, तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गई। देयर फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स ऐसा हम लिख सकते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या किया, जो प्रूफ करना था उसके RHS हमने ले ली। RHS में फर्स्ट इंटीग्रल को ऐसे रखा, सेकेंड इंटीग्रल को हमने I2 बोला, I2 को हमने सॉल्व किया बाय रूटीन प्रोसेस। I2 को सॉल्व करने के बाद क्या मिला हमें, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स मिला। तो ये जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू हमें मिल गई, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिला, 0 टू a, a टू 2a। तो यहाँ पे a के बीच में इंटीग्रल क्या हो गया था, स्प्लिट। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्प्लिटिंग जो है डिफिनाइट इंटीग्रल की, उसकी हेल्प से हमने इसे कंबाइन कर सकते हैं, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो चलो देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चलो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो सॉरी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन एंड इज इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है, लिमिट क्या होगा, माइनस ए टू ए होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टू इन टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रल को हम ऐसा लिख सकते हैं, कब, एफ ऑफ एक्स अगर आपका इवन फंक्शन है तो, और इस इंटीग्रल डायरेक्टली जीरो आएगा कब, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा तो। तो इवन एंड ऑड के प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अच्छे से देखो प्रूफ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस ए टू ए के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, और हम इंटीग्रल का 0 पे क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा हम लिख सकते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज किया तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको आई क्या मिलेगा, इसे हम ऐसे लिखेंगे 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इसे हम क्या बोलेंगे आई वन, क्या बोलेंगे आई वन, वेयर आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व। तो चलो अब यहाँ पे आई वन वेयर आई वन इज इक्वल टू माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, देयर फोर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी टी। तो एज एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो टी की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए, तो टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए, माइनस माइनस प्लस होगा, टी की वैल्यू क्या होगी, ए। तो लोअर अपर लिमिट जीरो को जीरो, लोअर लिमिट माइनस ए को ए आएगा। तो चेंजेस यहाँ पे किए तो हमें क्या मिलेगा, देयर फोर आई वन इज इक्वल टू जीरो की जगह जीरो आएगा, माइनस ए की जगह ए आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस टी, एंड डी एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर आ गया। सो आई वन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी इन टू डी टी, ये माइनस साइन बाहर आ गया। सो आपको पता है कि इंटीग्रल के अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, जो लिमिट चेंज करें तो साइन चेंज होता है। तो हम इसे आई वन इज इक्वल माइनस है तो प्लस होगा, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस टी इन टू डी टी ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है वेरिएबल अगर हम चेंज करें तो लिमिट की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती। सो आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स इन टू डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, वेरिएबल को चेंज किया। तो आपके जो प्रॉपर्टीज आप यूज़ करते हैं उन्हें आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या यूज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो अब आई वन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन वन बोलेंगे, और यहाँ पे जो हमें मिला है इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। सो वन की वैल्यू स्टार में रिप्लेस करेंगे, सो बाय वन इन स्टार हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आई वन की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर डिफिनाइट इंटीग्रल के लिमिट सेम होते हैं तो फंक्शंस की एडिशन हो सकती है। तो आई क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इन टू डी एक्स। चलो तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन टू बोलेंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पार्ट है मैं अब इसे इरेज करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दो, क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लूँगा, केस फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन, तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। ए इवन फंक्शन की क्या है, डिफिनेशन, इवन फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, f ऑफ एक्स आती है। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस किया, देयर फोर बाय टू बोलेंगे, बाय टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स। तो आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ मतलब टू, टू बार आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आ गई। केस सेकेंड हम स्टडी करेंगे, क्या है केस सेकेंड,
के सेकेंड है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ माइन इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा जब होगा तो फंक्शन क्या होता है, ऑड, तो बाई टू, इसे हम क्या करेंगे, टू में पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स का माइनस बाहर आएगा, एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स, तो ये जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, मतलब आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आ गई। तो आपको यही को नीचे फिर से एज इट इज लिखना होगा। तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 8 का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सीधा क्या करो, फंक्शन को चेक करो, फंक्शन ऑड है या इवन है, अगर फंक्शन आपका ऑड है तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली जीरो होगी। तो चलो यहाँ पे बेस्ट प्रॉब्लम जो है हम उसे लेते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ओके, सो जो प्रॉपर्टी जो है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका क्या है, इंटीग्रल। तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू मतलब माइनस ए टू ये है, तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन। आप सीधा क्या करोगे यहाँ पे, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स, तो आपको ऑड इवन चेक करना है, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर, तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स, तो ये क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है, सो माइनस क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एक्स आपको क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो देयरफोर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अगर आपका एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। बस आपको यही क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी होगी, प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे हम देखते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, सॉरी माइनस वन टू वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ओके ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस ए टू ए है, तो आप सीधा क्या करोगे, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, देयरफोर एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस एक्स, तो क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन वन प्लस माइनस एक्स का स्क्वेयर, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफोर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपको क्या मिला, एफ ऑफ एक्स मिला, देयरफोर एफ ऑफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया। तो फिर आपका ये जो आई है ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू वन जो था वो चेंज होगा, क्या होगा, जीरो टू इंटू जीरो टू वन एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज एफ ऑफ एक्स इज इवन, अगर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इवन फंक्शन है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। सो प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। कैसे सॉल्व किया जाता है, ए टू आई से ही इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एड वन सब्सट्रैक्ट वन वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स सेपरेट किया, ए टू आई से ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स,
तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे टू ब्रैकेट ऐसे रहेगी, ये क्या होगा, ये कैंसिल, ये वन रहा, वन का इंटीग्रेशन क्या है एक्स, लिमिट क्या है जीरो टू वन, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है टैन इनवर्स ऑफ एक्स, लिमिट क्या है जीरो टू वन, सो लिमिट पुट करेंगे टू इन टू वन माइनस जीरो माइनस टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस टैन इनवर्स ऑफ जीरो, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा टू इन टू वन माइनस टेन एस ऑफ जीरो जीरो, टेन एस ऑफ वन मतलब पाई बाय फोर, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलना। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।